दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेकर आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक न्यूज़पेपर की कटिंग के थ्रू। यदि आपको देखना हो तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेकर आप देख सकते हैं आराम से। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आएँ तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, CDGPG का बहुत ज़्यादा इस टाइम चल रहा है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको न्यूज़पेपर कटिंग दिखाती हूँ, बाद में आके आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, की खातिर प्रदेश व्यापी आंदोलन का होगा ऐलान। प्रदेश में सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए युवा मंच का प्रदर्शन सिविल लाइन्स में चौथे दिन शनिवार को भी जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षक दिवस के दिन प्रदेश व्यापी का ऐलान हो गया। धरना स्थल पर संबोधित करते हुए युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि भर्तियाँ अध्ययन में हैं, 5 लाख से ज़्यादा पद विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े हैं। TGT PGT 1000 पद पर अध्याचन प्राप्त होने के बावजूद सीटें कम कर दी गईं। रविवार को शिक्षक भर्ती के उठाने के लिए प्रदेश व्यापी आंदोलन के ऐलान के लिए 12 बजे तक पत्थर गिरजाकर पहुंचने का प्रदर्शन में युवा मंच संयोजक राजेश सचान, राम बहादुर पटेल CM डिग्री कॉलेज के पूर्व, सिंह परिहार अधिवक्ता अरुण पाल, ईशान BL यादव, पुष्प राज आदि मौजूद रहे। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि TGT और PGT के छात्र जो है अपनी बात रखने में कोई कसर नहीं छोड़े, वो तरह तरह के आंदोलन भी कर रहे हैं ताकि उनकी बात सुनी जाए और उनको जल्द ही न्याय मिले। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अब PGT का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है जल्द ही, 10 से 11 सितंबर के बीच। उससे पहले संशोधित उत्तर कुंजी आ जाएगी और मैं कट ऑफ वीडियो पे एक सटीक वीडियो भी बनाऊंगी। उस वीडियो को देखने के लिए आपको मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ यूं ही सभी अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।